पूरे देश के अंदर हिंसा की आग भड़काने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में हुए हंगामे के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा हुई और अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हिंसा की कोशिश की गई, जिसको यूपी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन हालात पर पैनी निगाह इस वक्त बहुत जरूरी है। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मारते। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। ये वाली गली बंद है, आपके घरों में जाओ। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर गया। ये एक धर्म गुरु का बयान है, तौकीर रजा, जो कि एक धर्म गुरु है। तकरीरें करते हैं, जलसे करते हैं, लेकिन उनके बयान एक मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा के साथ ही बेहद आपत्तिजनक है। आखिर क्यों तौकीर रजा शुक्रवार के दिन अपने समर्थकों की भीड़ के साथ सड़कों पर उतरा? उन्होंने कौन से आंदोलन का ऐलान किया है? ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने के खोले जाने से तौकीर रजा नाराज है। कोलकाता में भी जमात उल उलेमा ए हिंद ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। एक तरफ से भीड़ ज्ञानवापी के मसले पर यथा स्थिति बरकरार रखने की मांग कर रही है और दूसरी तरफ मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब बयान देकर ये दावा कर रहे हैं कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है। आखिर इन दावों का सच क्या है? आज इतिहास की किताबों को खंगाल कर पूरी पड़ताल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी तौकीर रजा की। तौकीर रजा की बेचैनी और परेशानी 22 जनवरी के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का शुरू होना। इस मुद्दे पर वो जेल भरो आंदोलन की अपील कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनका गुस्सा फूटा है बीजेपी सरकारों के बुलडोजर पर। जो नफरतों का माहौल बनाया हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई, असल में हमारी ये जो गिरफ्तारी है वो हमारी अपनी तकलीफ कम है और इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे ने, मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है, मामला कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्क गिर पैमाने पर चलाने वाले हैं। तौकीर रजा के उकसाने वाले बयानों की वजह से उनके समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। तौकीर रजा अपने समर्थकों को हल्द्वानी के नाम पर भी उकसा रहे थे। हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर ही अवैध इमारत को गिराया जा रहा था। वहां पर कानून को हाथ में लेकर भीड़ ने पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की, इसके बाद पेट्रोल पंप से हमले हुए और फिर थाने में पुलिस वालों को जलाकर मारने की कोशिश की गई। लेकिन हिंसक भीड़ के खिलाफ तौकीर रजा ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर उन्होंने अभद्र टिप्पणियां कर डाली। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पर तौकीर रजा पूरे दल बल के साथ पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरे और जेल भरो आंदोलन शुरू करने की अपील करने लगे। लेकिन यूपी की पुलिस ने बहुत संवेदनशील तरीके से पूरे मामले को संभाल लिया और तौकीर रजा को उनके घर भेज दिया। हालांकि वो गिरफ्तारी की अपील अपने समर्थकों से अब भी लगातार कर रहे हैं। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वॉल्व का काम किया है मैंने।
मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। जाहिर सी बात है, तौकीर रजा लगातार अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतिहास की अनदेखी भी कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने तौकीर रजा और उनके तमाम समर्थकों को इतिहास याद दिलाया है और ये बताया है कि काशी और मथुरा के अंदर ज्ञान वापी और ईदगाह की मस्जिद औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर ही बनाई थी। एक इतिहासकार का ये कबूलनामा कट्टरपंथियों को आईना दिखाने वाला है। ऐसा था कि औरंगजेब के जमाने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था, वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के जमाने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के, तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। सवाल ये है कि क्या इन तथ्यों का सामना कट्टरपंथी कर सकते हैं? इरफान हबीब ने जिन पुस्तकों का जिक्र किया है उनके बारे में जानना भी जरूरी है। औरंगजेब के किस फरमान पर मंदिर टूटा और मस्जिद खड़ी हुई, वो फरमान आज कौन सी किताब में है? औरंगजेब के इन सारे फरमानों का वर्णन मासिरे आलमगिरी नामक किताब में है। इस किताब को लिखा था साकी मुस्तैद खान ने। साकी मुस्तैद खान औरंगजेब का विश्वास पात्र थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1710 में साकी मुस्तैद खान ने यह किताब पूरी कर ली थी, जो औरंगजेब की जीवनी भी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस किताब का अनुवाद करवाया था। इस किताब मासिरे आलमगिरी में लिखा है, 8 अप्रैल 1669 के दिन के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में ये बात पहुंची कि बनारस में ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशाला में पढ़ाते हैं, जिससे दूर दूर के हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी उस बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद अपने सभी गवर्नरों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी हिंदुओं के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि मूर्ति पूजा बंद करवा दी जाए। इतिहास में हुई इस तोड़फोड़ की जानकारी असदुद्दीन ओवैसी को भी जरूर होगी। शायद इसलिए संसद के अंदर अपने भाषण में वो इतिहास का जिक्र तो करते हैं, लेकिन साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए औरंगजेब के द्वारा की गई तोड़फोड़ की यथास्थिति बरकरार रखने की दलील भी देते नजर आते हैं। भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप, कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है? आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बोध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा वायरल बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर डायरेक्ट मैसेज देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र करके काशी मथुरा और अयोध्या को हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। शायद इसीलिए देश के कई विद्वान अब भी काशी और मथुरा के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की अपील कर रहे हैं, ताकि ये मसला शांतिपूर्वक खत्म हो सके।